10 लोग को हम लोग रिटेन करके गए हैं, ठीक है, जिसमें से 2 लोगों को लाठी चार्ज किया गया, एक अपना इलाज करवा रहे हैं बगल में। धरना प्रदर्शन करते हैं, यहाँ आने पर आश्वासन मिलता है हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन कोई आश्वासन के अलावा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सब कुछ हो गया है, थाली बदाम मोहन व्रत हर एक चीज हो गया है। लास्ट टाइम में ये लोग यही करता है, लाठी चार्ज करते हैं, जो अभी कर रहे हैं। अभी अभी हमारे 2-3 साथी को ये लोग डिटेन भी किए हुए हैं, 8-10 आदमी को ये लोग डिटेन भी किए हुए हैं। पकड़ भी लिए, हाँ डिटेन किए हुए हैं 4-5। जैसे बीपीएससी बिहार एसएससी एग्जाम करवाती है, उनके पास वैकेंसी आता है, उसके बाद वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो वैसे ही क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कह रहे हैं रिक्ति आएंगे तब नियुक्ति होगी, रिक्तियाँ कब आएंगे कब नियुक्ति होगी, इनके पास कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं बेल्ट्रॉन ऑफिस के पास, बेल्ट्रॉन के कुछ अभ्यर्थी हैं मेरे साथ, जो कि सुबह 10 बजे से बेल्ट्रॉन ऑफिस के गेट पे ये लोग खड़े हैं। अभी इन लोग को प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक करके हटाया गया, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, आइए इनसे बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? लाल बाबू शर्मा जी। यहाँ से आप लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं? जी जी। क्या क्या मांगे? क्या हम लोगों का ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला है, 2019 के पास आउट कैंडिडेट है बेल्ट्रॉन LDC यानी डाटा इंटरप्रेटर का। 7073 से 11 कैंडिडेट पास आउट हुए थे, जिसमें 4000 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो गया है, बाकी 3000 कैंडिडेट जो हैं अब तक वेट कर रहे हैं। 3 साल से लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, यहाँ आने पर आश्वासन मिलता है हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन कोई आश्वासन के अलावा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो 3 सालों से आप लोग को सरकार क्यों वेट करा रही है? पता नहीं क्या रीजन है, समझ में नहीं आता है। इतना भेजवाना पड़ रहा है, बोलता है कि कुछ करना पड़ रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सब स्टूडेंट कर रहा है, जितना हम लोग है सब जिला से जा करके एक एक करके रिक्तियाँ हम भेजवाए हैं, जितना भी रिक्तियाँ अभी तक में 4000 का जो नियोजन हुआ है सबका रिक्तियाँ हम लोग भेजवाए हैं, चाहे वो जैसे भी हो, दिन भर भूखे बैठ के कलेक्ट्रेट में, LRC विभाग में, कभी मंत्री के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में हम लोग जाते हैं, वहाँ दिन भर बैठते हैं, तब जाके 2-4-5 सीट करके हम लोग भेजवाते हैं, लेकिन बेल्ट्रॉन का काम है ये सब अध्याचना मंगवाना, लेकिन बेल्ट्रॉन अपनी शिथिल रवैया के कारण सब सोया हुआ है। अभी हम सर विजय सिन्हा से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना विजय कुमार सिन्हा है, जितना भी विजय कुमार विजय, अच्छा इसके पहले भी आप लोग आए थे? हम लोग जितना हम लोग 10 बार यहाँ आ चुके हैं, ये कोई नया नहीं है, ये 10 बार से ज़्यादा ही होगा जहाँ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये हर बार का इसका यही रवैया है। अभी आप लास्ट में देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हर बार इनका अंत ऐसा ही होता है और ये इसी तरह का इनका प्रोसेस है। हम मैं अपना ज्वाइनिंग नहीं मिलता है, एक चीज मिलता है वो मिलता है लाठी। अच्छा, इसके पहले भी आप लोग आए थे एक बार जनवरी, हाँ ठंडी ठंडी में कई बार आ चुके और कई बार लाठी जनवरी में, वहाँ भी लास्ट में जो अभी यहाँ पे हुआ है उस टाइम भी ये लोग लास्ट में यही काम किए। मतलब क्यों ऐसे आप लोग के साथ? अब तो ये बताएगा ना आप, ये जब मैं इससे जानना चाहता हूँ ये चीज़ कि जब इसके पास रिक्विजिशन नहीं है तो ये एग्जाम लेता ही क्यों है? एक एग्जाम का एक स्टूडेंट का जानते हैं कॉस्ट कितना आता है? 1050 रुपया एक स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन फी जब रजिस्ट्रेशन कराता है ना तो उसका एक का 1050 रुपया लगता है। वो 1050 रुपया करके पता है 2019 में जब ये रजिस्ट्रेशन लिया था उस टाइम पूरे ओवरऑल बिहार से 3 लाख कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था। 1050 रुपया के हिसाब से 3 लाख कैंडिडेट का कितना बड़ा अमाउंट होता है आप समझ सकते हैं? उतना बड़ा पैसा का यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता है। इसके पहले आप लोग जब भी प्रोटेस्ट किए थे तो आप लोग थाली बजाओ अभियान भी किया था? सब कुछ हो गया है, थाली बजाओ मोहन व्रत हर एक चीज़ हो गया है। लास्ट टाइम में ये लोग यही करता है, लाठी चार्ज करते हैं, जो अभी कर रहे हैं। अच्छा, अभी अभी हमारे 2-3 साथी को ये लोग डिटेन भी किए हुए हैं, 8-10 आदमी को ये लोग डिटेन भी किए हुए हैं। अच्छा, पकड़ भी लिए? हाँ डिटेन किए हुए हैं 4-5। क्यों पकड़ते हैं आप लोग यहाँ पर आते हैं? इनका कहने का मतलब है कि हम जैसे चाहते हैं वैसे हो, 3 साल में हम 3000 लोगों का कराए हैं तो 6 साल में हम करा देंगे, 6-10 साल 10-12 साल में और लोगों को करा देंगे ज्वाइनिंग, आप लोग आराम से रहिए, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा। मेरा कहना ये है कि बिहार सरकार के पास अगर वैकेंसी नहीं है तो भेजती क्यों बेल्ट्रॉन? जैसे बीपीएससी बिहार एसएससी एग्जाम करवाती है, उनके पास वैकेंसी आता है, उसके बाद वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो वैसे ही क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कह रहे हैं रिक्ति आएंगे तब नियुक्ति होगी, रिक्तियाँ कब आएंगे कब नियुक्ति होगी, इनके पास कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है, आप लोग आपके एक साथी का कहना था कि कुछ ऐसे भी लोग थे आप लोगों के साथ जिनको मतलब ज्वाइनिंग मिली है, मिल गया ना 3000 लोगों का तो मिला ही है। मेन बात ये रोस्टर पैनल बना रहे हैं, इनके पास क्या ट्रांसपेरेंसी कुछ पता नहीं कि रोस्टर कैसे नियुक्ति कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनके पास। अभी ये आप ये एक बात बोले ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं 2016 का कैंडिडेट हूँ,
मेरा रजिस्ट्रेशन 2016 में हुआ था, एग्जाम हुआ, उसके बाद मेरा रिजल्ट बना 2016 का। मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट सिवान डिस्ट्रिक्ट। तो अभी आप लोग आए थे, आप लोग क्या आश्वासन मिला यार? कुछ नहीं मिला आश्वासन। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आप देखे नहीं, दो तीन लोगों को डिटेन किया गया है, लाठी चार्ज करके भगा दिया गया। ये आश्वासन हुएगा ना? यही आश्वासन। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। इनका कहना है कि जब रिक्ति आएंगे तब नियुक्ति करेंगे। भाई जब रिक्ति आएंगे नियुक्ति करेंगे तब एग्जाम क्यों करवाया? बिहार सरकार ने क्यों एग्जाम मत करवा दी? मत करवा दी। जब एग्जाम जब बेल्टा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उस टाइम कहा था कि 10,000 वैकेंसी आ रही है, मगर 10,000 वैकेंसी नहीं थी, 7,200। तो इनको जब नियुक्ति आएंगे तब नियुक्ति करवाए तो क्यों एग्जाम करवा रहे हैं? लोगों को मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं। हम तो बोल रहे ठीक है, हम लोग को घर में बैठा दिए, मैं सैलरी का 50% दे दीजिए, बैठ जाने के लिए तैयार है। हाँ, हमको ज्वाइनिंग दे दीजिए। मत दीजिए, हम लोग घर में बैठाइए, 50% सैलरी दीजिए, 50% सैलरी दीजिए, ज्वाइनिंग मत करवाइए। कहना है कि रिक्ति आएगी तो आप लोग की ज्वाइनिंग होगी। हाँ, तब तक आप लोग इंतजार करिए। जानना चाहता हूँ किस बिहार पे ये एग्जाम लेते हैं, मेरिट किस बिहार पे 7,311 कैंडिडेट का बना लिया? जब इनके पास रिक्विजिशन नहीं था तो उतने कैंडिडेट का ये बनाए कैसे रिजल्ट? नहीं बनाना चाहिए ना। आपके पास तो एक भी कैंडिडेट का रिक्विजिशन नहीं है तो आप एक भी बनाते हैं तो आप एक अपने घर से तो देंगे नहीं। बिहार सरकार से आपको रिक्विजिशन मिलता है, उसके बिहार पे आप मेरिट बनाते हैं ना, तो आपको नहीं बनाना चाहिए। चलिए, तो अभी आपने सुना ये बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी थे, जो कि इसके पहले भी ये लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव कर चुके हैं। लगातार ये लोग कभी मौन व्रत करते हैं तो कभी थाली बजाओ अभियान भी करते हैं सरकार को जगाने के लिए। और आज इन लोगों ने सुबह 10 बजे से ही बेल्ट्रॉन के गेट पे बैठे हुए थे और इन लोगों पे लाठी चार्ज करके प्रशासन के द्वारा इन लोगों को हटाया गया। अभी हमारे 10 लोगों को अभी 10 लोग हम लोग रिटेन करके गए हैं, ठीक है, जिसमें से 2 लोगों को लाठी चार्ज किया गया, एक अपना इलाज करवा रहे हैं बगल में, ठीक है। ये लोग का मतलब लास्ट में ये लोग पकड़ के ले गए थे, गेट खोलवा दिए, पकड़ के ले गए उधर साइड में और फिर उनको लाठी चार्ज किया गया। इन लोग के कुछ साथी को प्रशासन पकड़ भी लिए हैं और इनका कहना है कि सरकार के तरफ से सिर्फ हम लोग को बेल्ट्रॉन आने के बाद यही कहा जाता है कि जब रिक्तियां खाली होगी तो आप लोगों की नियुक्ति कराई जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।